amazing. That's why he is having brownie. साइड काश भी यस गुड गर्ल काश सो के उठ चुकी है और हम पहुंच गए मिलफर्ड साउंड। दीपक अभी गए हैं कार की पार्किंग के लिए पे करने के लिए, तो अभी हम जाएंगे क्रूज जहां से एंट्री होगी सी के अंदर। तो अभी हम भाग रहे हैं अपनी क्रूज लेने के लिए, होपफुली हमें मिल जाए। तो हमारी जो क्रूज है वो 10:45 की है, अभी 10:40 हो चुके हैं, आई थिंक सामने ही है। Yes, let's climb on faster, Kashvi. It's blue and mommy, mosquito was on my nose. Is it? Yeah. No, it's not. See, mama gave you oil, no? Now there will be no mosquito. Look, can you see and no fly. Scratch? Oh, yes. That's mosquito from the hand. Dead. We did it now, because we run very faster. Now. क्रूज हमारा चल पड़ा है और यहाँ पे क्रूज में अंदर बैठने की भी जगह है, लेकिन मोस्टली लोग बाहर ही बैठे हुए हैं क्योंकि इतने दूर आए हैं, तो बाहर से जो नज़ारा देखने को मिलता है वो अलग ही है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही हमने एंटर किया, जो यहाँ की सैंड फ्लाई होती हैं उन्हें बाइट करना स्टार्ट कर दिया था, बट हम उनका सोल्यूशन लेके आए थे, तो वो हमने स्प्रे वगैरह करके और कुछ ऑयल वगैरह था वो लगा के हम हो चुके हैं रेडी। Wow, can you see the waterfall, Kashvi? Yeah. It's just amazing. And look at the glacier too. Wow. It's a glacier, Daddy. It's a glacier, Mommy. It's just awesome. Yeah. Look at that. It's so amazing. Is it? Look, can you feel the shower? Yeah, it looks like a shower. It looks like we are taking a shower. Looks like it's just amazing, Kashvi. तो 12:30 तक हम वापस आ चुके हैं और इतनी अमेजिंग जर्नी रही ये 2 घंटे के आसपास, बिल्कुल मज़ा ही आ गया, जैसे सच में जन्नत ही देख ली हो। चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई, इतने पास से पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और वाटरफॉल, एक वाटरफॉल तो इतना ज़्यादा बड़ा लंबी हाइट से वो गिर रहा था, तो इतना ज़्यादा वो सुंदर दिखाई दे रहा था और पानी की बौछारें ऐसे मुँह पर आ रही थी। एक मिनट सिर्फ ऊपर से ही थोड़ा सा पानी गिरता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसमें ऐसा लग रहा था कि बारिश आ रही है, वो भी इतना अमेजिंग था। बट वाटरफॉल को इतने पास से और इतना, मतलब वहाँ पे मुझे ऐसा लगा था सच में मैं जन्नत पहुँच गई हूँ। काफ़ी ज़्यादा मज़ा मुझे आया है यहाँ पे और रिकमेंड करूँगी आप लोगों को, अगर आप न्यूजीलैंड में आते हैं तो प्लीज़ मिलफर्ड साउंड आप जरूर आइए। कल हम जा रहे हैं डाउटफुल साउंड, वहाँ तो देखने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन मिलफर्ड साउंड के बारे में हमने ऑलरेडी काफ़ी लोगों के रिव्यू वगैरह, और काफ़ी लोग जाते भी हैं तो सबसे सुना था काफ़ी अच्छी जगह है और सच में इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और डाउटफुल साउंड कैसा रहेगा वो तो वहाँ जाने के बाद ही शेयर करेंगे मैं आपके साथ। तो अभी मैं कर रही हूँ
यहाँ से एग्ज़िट और थोड़ा जाते हुए वॉक करते हुए का काफ़ी अच्छा एरिया था, वो भी मैं रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी, क्योंकि आते हुए तो हम बड़ा तेज़ में भागी भागी में ऐसे आए थे कि बस हमें मिल जाए, हमारी बोट मिस ना हो। तो चलो चलते हैं। टूरिस्ट कितने ज़्यादा यहाँ पे आए हुए हैं देख सकते हैं आप, कितने ज़्यादा बस यहाँ पे आई। और क्वींस टाउन से स्पेशली मिल्फोर्ड साउंड के लिए बस भी आती हैं, अगर आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं तो क्वींस टाउन आते हैं वो, तो यहाँ से बस की सर्विस लेके भी आप मिल्फोर्ड साउंड देखने के लिए आ सकते हैं। फ़िलहाल मैं ढूंढ रही हूँ दीपक और काशवी को, क्योंकि वीडियो बनाने के चक्कर में मैं रह गई थी पीछे, और अगर वो मुझे कहीं दिख जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो फ़ोन मेरे हाथ में है उसमें सिम कार्ड निकाल रखा। बनाते यहाँ से एग्जिट कर लिया था, बाहर चली गई थी और वापस आई हूँ अंदर, और अब मुझे दीपक दिखाई दे रहे हैं। दीपक और काशु सामने खड़े हैं, वो साइड में ही खड़े थे और मैं वीडियो बनाते बनाते निकल आई हूँ बाहर। काशु, इज डैडी एंग्री? इज डैडी एंग्री? नो। इज ही इज हैप्पी? काउंटिंग। यहाँ पे बस टर्मिनल है, यहाँ पे जैसे लोग स्पेशल जो अंदर आते हैं गाड़ी वगैरह लेके मिल्फोर्ड साउंड। अभी हमने जहाँ पे पार्क कर रखी है अपनी कार, तो वहाँ पे हमें लगेंगे 300 मीटर के आसपास की वॉक है तो पहुँच जाएंगे। ये स्पेशल बस वगैरह के लिए या फिर जो टूरिज़म कंपनी जिनके कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं, ताकि यहीं से ही सीधा टूरिस्ट अंदर एंट्री कर ले, उनको ज़्यादा वॉक वगैरह ना करना पड़े। ने ग्लासेस कहीं पर घूम कर दिए हैं, तो अभी मैं वापस जा रही हूँ जहाँ पे मुझे मिले थे जैसे हम क्रूज से बाहर निकले थे। तो काशु और दीपक वहीं पे मेरे लिए वेट कर रहे थे, तो जब वो पोर्ट से निकली थी तो काशु ने ग्लासेस लगा रखे थे, लेकिन बाहर निकलते हुए मैंने वीडियो में देखा उसके ग्लासेस गायब थे। तो अब मैं जा रही हूँ एक बार देखने के लिए क्विकली, अगर मुझे मिल जाते हैं उसके ग्लासेस जहाँ पर वो वेट कर रही थी दीपक और काशु। तो देखिए क्रूज बोट के लिए 300 मीटर की डिस्टेंस है और यहाँ से है एंट्री। पार्किंग के लिए यहाँ पे करने के दो तीन ऑप्शन हैं, दो तीन जगह हैं जहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं। जाते हुए काफ़ी ज़्यादा सुंदर रास्ता है ये, अभी आते हुए काफ़ी भीड़ हो गई थी इसमें, क्योंकि टाइमिंग ऐसे हैं बोट की कि एक क्रूज़ निकलती है और दूसरी आ जाती है, तो उस वजह से काफ़ी भीड़ हो गई थी उस टाइम पर। इवन इन द मॉर्निंग में भी हम जब थे तो काफ़ी ज़्यादा हम भागा दौड़ी में यहाँ से चल रहे थे, तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था वॉक करते हुए का, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सुंदर वॉक वाला रास्ता है ये। मुझे भी 5% मुझे उम्मीद है कि काशु के क्लासेस वहाँ पे मिलेंगे। काशु के क्लासेस ढूंढने में मुझे मिली है सक्सेस, मुझे उम्मीद थी, उम्मीद बस 5% थी कि मिल जाएगा, क्योंकि था कि लोग तोड़ के निकल ही जाएंगे, और पहली बार ऐसा हुआ है। दीपक वैसे इन छोटी चीज़ों के ऊपर ऐसे होता है उनको कि बस निकलो और नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जहाँ पे भी घूमना है और फिर ख़रीद लेंगे। आज पहली बार दीपक ने मुझे ऐसे बोला था कि अगर मेरा मन है तो मैं जाके देख के आ सकती हूँ, और आई एम रियली वेरी हैप्पी कि फाइनली मुझे मिल गया। अगर नहीं भी मिलता चलो इतना तो दुख नहीं होता, लेकिन अगर मिल गया तो अच्छी बात है। मैं आई इतनी दूर चल के, 300 मीटर चल के आई हूँ मैं इतनी सुंदर सी वॉक करते हुए, आप लोगों को भी साथ में लेते हुए। मुझके 6 मिनट हो चुके हैं, और अगर मैं व्लॉग रिकॉर्ड नहीं करती और मैं सीधा फटाफट वॉक करके आती तो मैं टाइम पर ही पहुँच जाती। आई मीन अभी भी ज़्यादा लेट नहीं हुई हूँ। तो हमारी पार्किंग है उधर सामने ही, पर रिएक्शन देखूंगी उसको कैसा लगेगा, उसको पता लगेगा कि मम्मी ने क्लासेस ढूंढा। आई थिंक न्यूट्रल सा ही रहेगा वो, ज़्यादा कुछ ऐसे एक्साइटेड होती ही नहीं है। काशवी, व्हाट आर यू डूइंग? आई थिंक क्लासी। लुक व्हाट आई फाइंड। ओपन सम नॉनसेंस। नॉट चॉकलेट। व्हाट डिड यू लॉस्ट? क्लासेस। सी? सफर बंद मत करो। Here we go. Will you put on your glasses? Give it to me. Is it mine? Yes, that's yours. Okay, then it's yours. Okay, you sit down. No. Okay, keep your leg inside now. Cool, cool. Here. Where are we going next? To the... Shall we go to the bird sanctuary? No, we're going to the farm. मुझे साइड में नदी दिखाई दी, तो हमने यहाँ साइड में पार्किंग में लगाई गाड़ी। काशु खा रही है चीज़ और थोड़ा सा पिया है जूस, दीपक ने भी,
और मैंने भी, और अभी मैं निकलूंगी देखने के लिए साइड में कि कैसा क्या व्यू है एग्जैक्टली, और दिखाती हूँ आप सबको भी। तो ये टुटोको रिवर है, ये ब्रिज से हम ड्राइव करते हुए आए हैं और साइड में स्पेशली रिवर को देखने के लिए बना रखा है एक और ब्रिज। वाओ, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है यहाँ पे। ऐसे नदियों में मैंने अभी तक पानी इतना देखा नहीं है, सूखी सी नदी देखी, और अच्छी बात भी है वो, क्योंकि जब ऐसे ग्लेशियर से पिघलता हुआ पानी देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि ना ही पिघले तो ज़्यादा ज़्यादा सही है, मतलब क्योंकि ये पिघल के फिर नदियों से होता हुआ समुंदर में ही मिल जाता है। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा बहाव है इस पानी का, और इसके अंदर जो पत्थर पड़े हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े साइज़ के हैं। ऐसे ही वॉक करते हुए दूसरी साइड जा सकते हैं और वहाँ पे पार्किंग लगा सकते हैं, तो पार्किंग के इस साइड भी ऑप्शन है और उधर सामने भी है, और ये साइड से पूल जिसमें से ड्राइव करके कार इधर उधर जा रही है। मैं अपनी वीडियो लेते हुए थोड़े से मैंने फ़ोटो लिए हैं, रिवर को स्पेशल देखने के लिए आए हैं। काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा यहाँ पर चल रही है, बिल्कुल मज़ा आ रहा है, ऐसा अगर फोन भी हाथ से छूट के गिर ना जाए कहीं, बट काफ़ी ज़्यादा सुंदर जगह है। What did you make? Sushi. From? Sushi. Ah. Mommy was sushi. Ah. I bet she will cry. Ah. I bet she will cry. तो अभी मैं दीपक को बता रही थी कि कैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड करते करते नदी के ऊपर नदी के अंदर गिरने वाली थी तो दीपक कह रहे थे कि मैं, हम तो रुकने वाली नहीं थे, रुके करते भी क्या वैसे जब गिर जाए तो मैं कह रही थी काशू तो एक बार रोती और फिर काशू को कहते काशू काशू इफ मम्मी गोना डीप इन द वाटर व्हाट गोना हैपन यस देन व्हाट यू गोना गाइस डू ब्रिंग अनदर मम्मी पापा नो सो यू डोंट यू विल नॉट क्राई इफ आई विल नॉट बी हियर You will cry, yeah. And then daddy will give you one chocolate. Here we go, Kashu. Don't cry now. It's okay. I will bring another movie. But I want you, Mom. Arey, Rijan. Kam se kam Kashu ko toh main chahiye. Deepak toh bilkul excited hai. Bahut bol rahe hai Kashu. Bahut bol rahe hai. Acha. Acha. Dirty rahe tu. Dirty rahe. Kit gayi? Kit gayi? And what daddy should do? Make some yummy dinner for dad. It's not a dinner time. Hey ladies. To you. To you only. Bye. Let's go. ने हमें रिवर दिखाई दे रही है और यहाँ पे पार्किंग भी थी तो हमने लगा लिया गाड़ी पार्किंग में। शूज मैंने चेंज करके मैंने डाल लिया अभी चप्पलें क्योंकि पानी में पैर डालने का मन कर रहा है। पहन लिए चप्पल पानी में जाने के लिए। काशु, how you sliding? Why daddy making you slide over the rocks? Daddy, why you want me to slide? Come to Godi. Come, come. There we go. daddy, don't let me slide. Look, a beautiful water, clear water. But can I throw some rocks? Yes, you can throw some rocks. Or some sand? Yes. Not sand, just the rocks. No, no, it's okay. You can dip your chappal in the water. No. Okay, take it out there. It's very hot rock, Kashvi. It will be hard for you to walk on the hot rock. Take out there near to the daddy's chappal. Thanda hai Deepak. Baraf jaisa. Let me come, guys. बैठ गई हूँ बिल्कुल एक पत्थर पे और पानी के काफी पास में हूँ। दीपक मैं कह रही थी कि तेरे पास बैठूंगी मैं क्योंकि डीप तो है, मतलब घुटनों तक, घुटने से तो ऊपर ही जाएगा, डूबूंगी तो नहीं लेकिन बहुत तेज है तो देर तक जो आता नहीं तो मैं जा सकती हूँ। तो दीपक कहते हैं कि व्लॉग बनाते में तो कह रही हूँ गाइस मैं चली गई हूँ, डूब गई हूँ। राशन उठा लिया पता दीपक आपके सिर पे मारेगी।
देखो पानी के अंदर रॉक्स वगैरह फेंकने में कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है आजकल। जहाँ पे भी लेक वगैरह पे भी जाते हैं तो वहाँ से पत्थर उठा उठा के फेंकती रहती है, इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। धूप है वैसे, मारे आपके आपके पैर पे तो भी मार दिया। तो अभी मेरा प्लान है कि इस माउंटेन के ऊपर दीपक चढ़े और उससे नेक्स्ट वाले पे माउंटेन पर नहीं मतलब पत्थर के ऊपर दीपक चढ़े और उस वाले में मैं चढ़ूँ और पीछे से ऐसे मेरी फोटो ले। नदी में पैर और मुंह धोने के बाद हम अब चल पड़े हैं। थोड़ी देर हमने 15-20 मिनट के आसपास हम रुके हैं यहाँ पे और काफी अच्छा लगा। पानी इतना ज्यादा फ्रीजिंग था मतलब कि मैं तो एक मिनट के लिए भी अपने पैर उसमें नहीं रख सकती, मतलब इतना ज्यादा ठंडा मुझे लग रहा था और दीपक को भी लग रहा था ठंडा। काशू तो बस स्टोन के साथ खेल लिए और कुछ हमने फोटो वगैरह करवाए हैं। मन कर रहा था मेरा कि यहाँ पे मैं सैंडविच गरम करके अपनी गैस ऑन करके सैंडविच गरम करके खा लूँ क्योंकि काफ़ी ठंडे लग रहे हैं तो खाने का भी मन नहीं कर रहा। तो कभी बीच में जब ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे हम गाड़ी रोक के अपना गैस वगैरह ऑन कर सकते हैं और फिर थोड़ा सा सैंडविच गरम करके खाया जाएगा, तब तक चला रहे हैं जूस में काम। वैसे भूख भी अभी लगी नहीं है ज़्यादा बट अच्छा लग रहा है ठंडा ठंडा जूस पी के भी। काशू हाउ यू फीलिंग, हॉट और कोल्ड? कोल्ड। यू हैड फन इन द वाटर? You feeling hot again? Yeah. You are looking for the another place to stay in the water. Yeah, I'm looking for the beach where are this sand or some water or some seashells. Okay. Or some stone. Oh yes, why not? And we can take our beach toy. तो देखते हैं अब कहाँ रुकेंगे हम। टेंट की शेडो तो पता नहीं दिखाई देगी नहीं लेकिन यहाँ पे वॉक करने में काफी अच्छा लग रहा है, काफी ज्यादा ठंड है, मजा आ रहा है बिल्कुल। काशवी ने ढूंढ लिया जगह। क्या देख रही है काशवी? मिरर लेक देख रही है। कौन सी लेक दिखाई दे रही है यहाँ से? देख इधर से देख, यहाँ के देख। अभी तो काफी रिपल ही दिखाई दे रही है पानी में। काशु कह रही है कि इसको कुछ मिरर दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे तो इसके लिए तो अभी मिरर लेक नहीं है। व्हाट डू यू वांट बेटा जी? Yes, and what they saying? I said, so you need to eat, so you can only eat muffin or you can eat fries or burger. So what you want to eat? I don't know. Your tummy is full, that's why. What did you eat? And? How about cherries? Yeah. How about chips? How about peanut? How about cashew nuts?
तो हमने इतने सारे स्नैक्स खा लिए हैं। पहले हमने कैशू खाए, पीनट खाए, उसके बाद चिप्स खाए और फिर ऑरेंज और चेरी खाने के बाद अभी पेट इतना फुल हो चुका है, अभी मन कर रहा है कहीं पार्क मिल जाए और सो जाए। बट अभी देख रहे हैं एक बार बर्ड सेंचुरी यहाँ पे क्या कुछ है, देख के आते हैं। अच्छा सा रहा तो अंदर जाएंगे या फिर वापस आके पार्क में कहीं लगाए गाड़ी, थोड़ी देर के लिए सोएंगे। पेट्रोल ख़त्म हो रखा है ऑलमोस्ट, तो हम वैसे हाफ टंकी जैसे ही आती है तो फुल करा लेते हैं, और लेकिन अभी हाफ से भी नीचे आ रखी है, तो पेट्रोल भराने के बाद जाएंगे पहले बर्ड सेंचुरी और फिर ढूंढेंगे पार्क को और फिर वहाँ पे करेंगे रेस्ट। हम पौने पाँच बज चुके हैं और हम आ गए हैं अपने हॉलीडे पार्क में, और मैं यहाँ पे काशू के साथ आई हूँ किड्स कॉर्नर में। काशू को काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे कुछ बिन बैग रखे हैं और एक बिन बैग के ऊपर मैं भी पसर के लेटी हुई हूँ। काशू खेल रही है यहाँ पे, कुछ इसको खेलने के लिए मिला है लेकिन मुझे इसका नाम भी नहीं पता कैसे खेलते हैं और क्या इस गेम का नाम है। इससे पहले काशू ये छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा गेम दे रखे हैं स्टेप वगैरह करने के लिए। जीरो काटा वाला गेम है सामने, यहाँ पे पजल है, छोटे छोटे पाउच रखे हुए हैं बच्चों के लिए। Because you can stack them here, you can use them, you can make something from them. Kashu ने ये जो शेप दे रखी है इससे भी खेल लिया है, बट इसको अभी यहीं पर ही अच्छा लग रहा है। Do you want to go out? Are there some play there? No, park is really very hot. It's very sunny outside, so park is hot. Oh, do I know place for us? So you can either play with the blocks or you can just go for a cool cool walk. You know, go for the bird sanctuary. You know, go and listen to different birds and see the different birds. Yeah. Why? Because they're very nonsense. No, they are very cute and you can see different birdie there. It will be good idea. They're nonsense. Right. Why you are saying that? Because they always take my lollipop and they... No, nobody is not taking your lollipop. Look, mommy, what... That's rubbish, that's rubbish. Put it away. Somebody eat the lollipop and put their rubbish there. Give it to me. Put it away. We're gonna put it on how the... How come they cut them I don't know. Some kids are really nonsense. No, no. Who? What is that? Show me. It's a baggy clown. Oh, you know better. I don't know. Look, I got this book at home. The final baggy clowns were going to town. Do you all don't know that? Oh, so, maybe in your daycare you have heard that. Final baggy clowns were going to town. के सवा पाँच बज चुके हैं और अभी हम बना रहे हैं चाय। हम आए किचन में, यहाँ पे काफ़ी बड़ी किचन है, अभी तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, लेकिन अभी शाम होते होते 6-7-8 बजे के आसपास काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। कल हमने काफ़ी खाना बनाया था, राजमा चावल बनाए थे और साथ में पनीर की भुजी, ब्रेड व्रेड सब बना लिए थे। सी डाउन है, काशू ने अपना बंदर बना रखा है बिल्कुल। यू लुकिंग लाइक अ मंकी। बस एक्टिंग भी कर दे अभी। यही कसर रह गई थी काशू। बैठ जा, इधर बैठ जा बेटा। यस, वी डोंट स्टैंड अप ऑन द चेयर ना। सैंडविच और चाय बनके रेडी है। काशू का मन है कि उसको थोड़ी देर हम दिखाएं टीवी, और अभी फोन में उसके लिए थोड़ा कार्टून लगाऊंगी। ओह यस काशू, और साथ में देखिए व्यू कितना ज़्यादा सुंदर है। स्पेशली मैंने ये वाली टेबल इसलिए चूज़ करी क्योंकि यहाँ से बाहर का नज़ारा देखने को मिल जाए। Look at a very delicious paneer sandwich, guys. सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी ये बने हुए हैं, और देखिए पूरा फीलिंग इसमें अच्छे से भरी हुई है, और चाय के साथ इतना मज़ा आ जाएगा खा के।